दोस्तों आज हम इस वीडियो में चंद्रयान 3 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चंद्रयान 3 भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 का अगला अवतार है। इस मिशन का उद्देश्य ही भारत को फिर से चांद पर भेजना और अंतरिक्ष में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास होगा। तो चलिए दोस्तों चंद्रयान 3 के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रयान 3 का प्लान 2024 के आसपास है। इस मिशन के दौरान एक रोवर और लैंडर को चांद के सर्फेस पर उतारा जाएगा। इसका उद्देश्य है कि भारत अंतरिक्ष में अपनी छाप छोड़ सके और चंद्रमा के प्रति और अधिक रिसर्च कर सके। दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की तरह डिजाइन किए जाएंगे, लेकिन कुछ सुधार किए जाएंगे ताकि पिछले मिशन के जैसे रुकावटों को दूर किया जा सके। चंद्रयान 2 मिशन में विक्रम लैंडर की अनसक्सेसफुल लैंडिंग से मिशन असफल हो गया था, लेकिन इसरो ने इससे काफी कुछ सीखा है और अब चंद्रयान 3 मिशन में उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रही है। चंद्रयान 3 मिशन का सफल होना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिशन के माध्यम से हम चंद्रमा के फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि चंद्रमा कैसे बना, उसका सरफेस कैसा है और क्या वहाँ पानी मौजूद है। चंद्रयान 3 मिशन में भारत के प्रतिभा का प्रदर्शन होगा। यह भारत के अंतरिक्ष अभियान में एक नया और महत्वपूर्ण कदम है। इसरो की सफलताओं ने हमें दिखाया है कि भारत भी अंतरिक्ष में महारत हासिल कर सकता है। हमने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के माध्यम से पहले भी कामयाबी हासिल की है। अब हम चंद्रयान 3 के माध्यम से भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 मिशन का टारगेट होगा कि वह अपनी उपस्थिति को चांद पर स्थापित करे। पिछले मिशन में विक्रम लैंडर के सही नहीं उतरने से ये मिशन अधूरा रह गया था, लेकिन इसरो ने उस अनुभव से सीखकर सुधार किए हैं और ये चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को सफलता तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की डिजाइन प्रारंभिक रूप से विक्रम और प्रज्ञान के डिजाइन से मिलता जुलता है, लेकिन सुधार किया गया है ताकि इन्हें और अधिक कामयाब बनाया जा सके। इस बार के मिशन में विक्रम लैंडर को सही समय पर और सुरक्षित तरीके से चांद के सरफेस पर उतारा जा सकता है। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर प्रज्ञान चांद के सरफेस पर घूमने, उसके फिजिकल एलिमेंट्स की रिसर्च करने के लिए उपयोग होगा। प्रज्ञान रोवर में अलग अलग टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कैमरा, डिस्पर्जन फैक्टर एक्सेट्रा। ये रोवर भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन में रोवर प्रज्ञान की जरूरत है ताकि हम और अधिक चांद की जमीन के बारे में जान सके। प्रज्ञान के माध्यम से हम उसकी मिट्टी, पत्थर और अन्य तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। इससे हमें चंद्रमा के फिजिकल एलिमेंट्स और उसके स्पेशल एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है। चंद्रयान 3 मिशन में उपयोगी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैकेनिज्म का भी विकास होगा। इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स नई लैब में काम कर रहे हैं ताकि इस मिशन के लिए तैयार किए गए मैकेनिकल डिवाइस का विकास कर सके। इसमें उन्हें उस समय का ध्यान रखना होगा जब विक्रम लैंडर को चांद के सरफेस पर उतारा जाएगा और रोवर प्रज्ञान अपना काम शुरू करेगा। चंद्रयान 3 मिशन में फिजिकल रिसर्च के अलावा नौकरियों के विकास के लिए भी अवसर है। मिशन के तैयार होने के लिए देश भर में लगभग 2000 से अधिक वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का सहयोग लिया जाएगा। इससे भारत के अंतरिक्ष अभियान में नौकरियों का विस्तार होगा और युवाओं के लिए नए अवसर खड़े होंगे। दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और प्रोफेशनल प्रिपरेशन की आवश्यकता होगी। इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अपने पिछले मिशन से प्राप्त एक्सपीरियंस और डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर तैयारियां कर सके। उनकी लगन और मेहनत हमें गर्व और उम्मीद देती है कि ये मिशन सफल होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने चंद्रयान 3 के बारे में विस्तार से बात की। यह मिशन भारत के लिए गर्व की बात है। हम आशा करते हैं कि ये मिशन सफल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।